हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। ये ब्लाउज का पीस है मेरे पास और लाइनिंग देखो। कपड़े को पहले ऐसे खोल लेंगे और कपड़ा डबल भाग में है। ये खुला वाला भाग इस तरफ है और ये बंद वाला भाग मेरी तरफ है। पहले तो हम कपड़े को, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये ब्लाउज हम 35 साइज का बनाएंगे। इसका कंधा है 13 इंच, अपर चेस्ट 34 इंच, मेन छाती इसकी जो है 35 इंच, कमर है 30.5 इंच। ब्लाउज की लंबाई हम 13.5 इंच रखेंगे। इस साइज में आर्मोल 16 इंच है, बस्ट पॉइंट इनका 9 इंच है, बाजू की लंबाई 9 इंच है और उनकी गोलाई 9.5 इंच। आगे का गला हम 6 इंच रखेंगे और पीछे का गला 9 इंच बनाएंगे। ब्लाउज की लंबाई हमारी 13.5 इंच तैयार है, तो हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे 14.5 इंच पे, क्योंकि ये हमारा इधर सिलाई मार्जिन में जाएगा और इधर भी। ये 5.5 इंच इनके आर्मोल रखेंगे। मेन छाती है इनकी, अपर चेस्ट है 34 का जो चौथा भाग होगा 8.5 इंच, 8.5 पे हम एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट हम लूजिंग देंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा 9 इंच होता है, तो ओनली 2 पॉइंट के हम लूजिंग देते हैं। ये टोटल इतनी कमर है हमारी 30.5 इंच, तो ये 7.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा इसका चौथा भाग। 1 इंच हम पीछे की टक्स के लिए रख देंगे। इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। देखो तीरा हमारा 13 इंच है, इसका हाफ करेंगे। तीरा हमेशा हाफ में ही कटिंग होता है, तो 6.5 इंच, 6.5 इंच पे एक अनुमान का एक निशान लगा लेते हैं। जब पीछे का गला हमारा 9 इंच होता है, तो हम 2.25 इंच कम कर देते हैं। ये देखो 4.5 इंच आ रहा है हमारा, इधर 4.5 है, तो इधर 0.5 इंच बढ़ा देंगे, 5 इंच कर देंगे। आर्मोल की शेप देंगे, इनकी आर्मोल है 16 इंच बॉडी मेजरमेंट, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच हो गया। 17 का हाफ करेंगे 8.5, तो ये हमारा राउंड 8.5 इंच आना चाहिए। सिलाई मार्जिन हम ऊपर छोड़ेंगे, ऐसे नापेंगे इसको। ये देखो फिक्स हमारा 8.5 इंच ही आया है। ये यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। इधर से खुले गले में हमेशा हम इधर ही से नापते हैं, बाकी जो इधर 2 इंच बचा है, इधर हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और गला हमारा 9 इंच, तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो पीछे जो हम टक्स डालेंगे वो 4.5 इंच लेंगे, इधर से भी हम 4.5 इंच लेंगे और यहाँ से भी 4.5 इंच लेंगे। टोटल टक्स हम 1 इंच की डालेंगे, तो 0.5 इंच इधर, 0.5 इंच इधर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 0.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। इस निशान से मिला देंगे इसको। गले की शेप आप कोई भी दे सकते हो, मैं इसमें मटके गले की शेप दूंगी, इसलिए मैंने ये स्क्वायर करके ही रखा है अभी। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये देखो पीछे का हिस्सा हमारा कट हो गया है, टक्स पे हम एक कट लगा देंगे। यहाँ हमारी फिटिंग आएगी, तो इधर भी एक कट लगा देंगे, गले के पास में भी कट लगाएंगे। अभी इसको हम अपनी तरफ पलट देंगे। ये देखो खुला वाला भाग हमने अपनी तरफ रखा है, क्योंकि सामने वाले हिस्से में खुला वाला भाग भी रख सकते हो, बंद वाला भाग भी, क्योंकि वो दोनों तरफ से खुला होता है, आप किसी भी साइड से अपनी तरफ रख सकते हो। इसके सेम निशान हम लगाएंगे। अब हम इसको हटा देंगे। ये हम चोली वाला ब्लाउज बनाएंगे, तो इस साइज में जो हम चोली रखेंगे 11.5 इंच तैयार रखेंगे,
तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, क्योंकि ये हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट कर रहे हैं। 11.5 साढ़े 12 तो 13 इंच पे हम एक चोली का निशान लगाएंगे। इसको क्रॉस कट ब्लाउज भी बोलते हैं कहीं। हो गया, अभी देखो हमारी बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसका 3.5 इंच लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी 3.5 इंच लेंगे, और इससे हम 1/2 इंच नीचे कर देंगे ये वाली टक्स को। और इधर से हम 1.25 इंच लेंगे, इसके बराबर में लेके आना है, इससे 1/2 इंच ऊपर। इधर भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम ऐसे सीधा करेंगे और इसको हम ऐसे तिरछा कर देंगे, और ये वाली टक्स इस इधर से 2.5 इंच ऊपर लगाते हैं। तो ये हमारे चारों टक्स के निशान हो गए हैं। अभी देखो यहाँ से हम मेन चेस्ट लेंगे, मेन चेस्ट है हमारी 35। 35 का जो चौथा भाग होगा वो 1.9 इंच होगा, तो हम 1.9 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और सामने वाले भाग में हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि पीछे वाले भाग में ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम 1.5 इंच देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 9.5 इंच हो गया ये हमारा। तो इधर भी हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम टोटल 9.5 इंच रख देंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा ये थोड़ा 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम बचता है इधर में, जितना हमारा यहाँ है उसको ऊपर भी रख देंगे। ये जो हमारा फिटिंग तो देखो हमारी यहाँ पे आएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये वाला हमारे ये वाले टक्स में कवर हो जाता है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा करके निशान लगाएंगे, और इधर से हम 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। अभी देखो ये कितना हमारा 9.5 इंच आ रहा है, और कमर है हमारी 30.5 इंच, तो 30.5 इंच का जो चौथा भाग होगा 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो 8.5 और 9.5, तो ये हमारी टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है 7.5 से, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, तो ये वाले के हम टक्स डाल देंगे। 1 इंच हम इधर निशान लगाएंगे, 1 इंच हम इधर निशान लगाएंगे, ऐसे इनको मिला देंगे। आगे का गला है हमारा 6 इंच, तो हम 6.5 पे एक निशान लगाएंगे, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगा हमारा। ये देखो इधर से हमने जो ये पीछे वाला हिस्सा लिया है उतना ही चौड़ा रखेंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच रख देंगे, आप 2.5 भी रख सकते हो, आपको जितना चौड़ा गला चाहिए उसी के हिसाब से रखना है। गोल गले की शेप दे देंगे। ये तो देखो हमारा फिक्स है कि इधर हमारी सिलाई आएगी, और इधर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा हुक आई पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। ये सिलाई मार्जिन हो गया, हमारे निशान कंप्लीट हो गए, और ये सामने वाले भाग में हम हल्की हल्की छटाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे वाले पल्ले को हम पहले से ही फिक्स कटिंग करते हैं, ज़्यादा शोल्डर नहीं रखते हैं, इसलिए सामने में ज़्यादा छटाई नहीं करेंगे इसकी। अब इसको हम कट कर देंगे। ये इधर फिटिंग पे इसका एक कट लगा देंगे, इसकी फिटिंग अभी यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगी, ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो ये वाला हिस्सा इसी के बराबर में आ जाता है। अभी देखो ये वाले निशान हम पीछे की तरफ भी छाप देंगे। अब हम इसकी पट्टी कट करेंगे। देखो पीछे वाले पल्ले पे हम सामने वाले पल्ले को रखेंगे, और इधर से इसका मेजरमेंट करेंगे, ये हमारा 2 इंच आ रहा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि पट्टी को तब हम ज्वाइंट करते तो 1/2 इंच हमारा इधर भी जाता है और ये वाली टक्स में चला जाता है, तो 1 इंच वो छोटा हो जाता है, तो हमें ये टोटल कितना चाहिए, 3 इंच। यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे,
एक किनारी को तो हम निकाल देंगे। तो देखो कमर है हमारी 7.5 में एक पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ तक हमारी कमर फिक्स आएगी। इसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे और ये वाला हम सिलाई मार्जिन रख देंगे और यहाँ से हम वही हाफ में एक पॉइंट ज़्यादा रखेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे इसकी क्रॉस पट्टी कट गई है। अभी देखो हम इसके सामने की पट्टियाँ भी कट कर लेते हैं। ये देखो जो हम आई बनाते हैं वो पट्टी मैं 3 इंच की रखती हूँ, तो 3 इंच पे हमने एक निशान लगाया और इसकी लंबाई ब्लाउज के जो सामने का हिस्सा होता है उसी के बराबर रखना है। तो ये मैंने 10 इंच रख दिया है इसको, और दूसरी वाली पट्टी जो हम अंदर में फोल्ड करते हैं उसको हम 2 इंच रखते हैं। ये हमारी 3 इंच की पट्टी हो गई और ये हमारी 2 इंच की पट्टी हो गई। अब हम इसको इस पीस पे कट करेंगे। ये देखो हमने मेन पीस को ऐसे फोल्ड कर लिया है और इसकी जो ये पट्टी थी बॉर्डर वो हमने खोल दिया है। पीछे वाला हिस्सा उठाएंगे और ये देखो बंद वाला भाग मेरी तरफ है, क्योंकि पीछे वाला गला जो होगा हमारा वो बंद होगा, हुक इसके सामने में होंगे। ऐसे रखेंगे इसको, हम ऐसे रख देंगे इसको। आप अपने कपड़े के हिसाब से सेट करना और क्रॉस पट्टी यहाँ रख देंगे। हल्का हल्का एक्स्ट्रा लेते हुए अब हम इसको कट कर देंगे। देखो अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। अस्तर पे तो हमने बाजू की कट नहीं किया था और ये कपड़ा ऐसे है, खुला वाला मेरी तरफ है और बंद वाला इस तरफ है, तो इसको हम 4 फोल्ड में ऐसे कर देंगे। देखो बाजू की लंबाई है हमारी, बाजू की लंबाई 9.5 इंच, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे। बाजू की मोहरी है हमारी 9.5 इंच, लंबाई भी हमारी 9.5 है, तो हमने 10.5 रखा है 1 इंच बढ़ा के। 9.5 इंच इसकी मोहरी, तो उसका हाफ 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हम लूजिंग का दे देंगे। और उनके आर्म होल है 17 का हाफ होगा 8.5, तो हम 8.25 के आसपास निशान लगाएंगे ये, क्योंकि ये घूम के फिर 8.5 इंच ही आ जाता है, तो थोड़ा कम लेना है। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। जब ये राउंड इधर घूम के आता है तब 8.5 इंच हो जाता है। इस सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे और इस किनारी को हम निकाल देंगे। यह हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। सिलाई करना बताऊंगी। इस देखो पहले तो हम कपड़े और अस्तर दोनों को अटैच करेंगे। देखो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह हम सभी पीस को तैयार कर लेंगे। ये देखो सभी पीस को हमने ऐसे तैयार कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। ये पीछे का हिस्सा है इसका, ये हमने गले की शेप दी है।
अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखो कमर में पहले हम ऐसी पट्टी लगाएंगे। इसकी कमर में देखो हम ये लेस भी अटैच करेंगे। ये पट्टी को हम ऐसे ही रखेंगे, पहले इस लेस को अटैच कर लेते हैं। देखो ये हमने लेस इसके ऊपर अटैच कर दी है और इस पट्टी को हमने ऐसे ही रखा था। अभी इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके अंदर या तो आप सिलाई भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हो। तो ये हमारा ऐसे आएगा। अब हम ये पीछे की टक्स डालेंगे। ये निशान तो हमने पहले लगा रखे हैं। ये पीछे का पल्ला तैयार हो गया। अभी हम सामने के पल्ले को तैयार करेंगे। ये वाली टक्स हम टोटल 2 इंच की डालेंगे तो 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच इधर हो जाएगा और 1 इंच इधर। ये इसके ऊपर अभी तीरा अटैच करेंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले पीस को भी तैयार करेंगे। ये देखो हमने दूसरा वाला पीस भी तैयार कर दिया है। अब हम इसको पीछे वाले पल्ले के साथ ज्वाइंट करेंगे। हमने इसकी देखो ऐसे कंधी ज्वाइंट कर लिए दोनों साइड से। अभी देखो इसमें हम हुकाई वाली पट्टी लगाएंगे। ये उल्टे हाथ की तरफ जो हमारी ये पट्टी होती है इसमें हमने अस्तर अटैच किया है और ये पट्टी की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। लंबाई इससे हल्की सी ज़्यादा। पहले तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। अभी ब्लाउज को हम सीधा ही रखेंगे और इसको ऐसे अटैच करेंगे। अभी देखो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये वाला जो मार्जिन है इसको हम इसके अंदर की तरफ करके और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये सिलाई हम उल्टी तरफ से लगाते हैं। इसके बराबर बराबर हम एक सिलाई और लगाएंगे। अभी देखो इस तरफ हम ये तुरपाई वाली पट्टी लगाएंगे। इसको हमने 2 इंच चौड़ा रखा है पट्टी को। ये वाली पट्टी को हम पहले अंदर में ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देंगे
उसको हम फिर बाद में खोल देंगे तुरपाई करने के बाद में। गले के ऊपर अब हम पट्टी लगाएंगे। पहले तो हम इसको देखो ऐसे बराबर करते हैं, ये सब हमारे बराबर आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ निशान लगा देंगे कहाँ से हमें पट्टी लगानी है दोनों हिस्से में। अभी देखो इसके अंदर हम कट लगा देंगे सिलाई को छोड़ के, सिलाई के पास नहीं लेके जाना है। देखो कट तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं और अभी इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे, ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको अंदर की तरफ दबाना है, ऐसे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। देखो ये हमारी पाइपिंग भी लग गई है, मैं आपको पूरे गले पे दिखाती हूँ। अब इसकी फिटिंग करेंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है इनकी 30.5, तो 30.5 का जो चौथा भाग होगा 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, इधर भी निशान लगा देंगे और इस साइड भी। ये जो पट्टी है हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है, तो इसकी जो सिलाई होगी हम उसी पे ही रख के फिटिंग का निशान लगाएंगे, और ये वाली पट्टी हमारी अंदर तक रहेगी, तो इसके किनारे से लेके ही हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी कट से कट को मिलाएंगे, ये हमने कटिंग करते टाइम फिटिंग के निशान लगा दिए थे। देखो इस साइड की फिटिंग हो गई है, अभी ऐसे कट से कट मिलाएंगे। ये देखो सामने के हिस्से तो हमारे तैयार हो गए हैं और पाइपिंग भी लग गई है इस पे। अब हम इस पे बाजू लगाएंगे, क्योंकि बाजू में हमें फ्रिल लगानी है, तो पहले हम फ्रिल बनाएंगे। ये हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, 3 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अभी देखो इसको हम थोड़ा छोड़ देंगे और इसके आगे फ्रिल लगाना शुरू करेंगे, फ्रिल बनाएंगे। तो ऐसे एक हमें चुन्नट डालनी है, एक बराबर उठाएंगे, बराबर बराबर डालना है इनको, इधर से हमें एक बराबर रखना है।
देखो फ्रिल तो हमारी तैयार हो गई है। अभी फ्रिल हमें कितनी इंच रखनी है, हम ऊपर की तरफ 1 इंच ही दिखाएंगे, बाकी सिलाई में दे देंगे। तो 1-1 इंच करके आप ऐसे निशान लगा लेना, और इस पे हम हल्की प्रेस भी लगाएंगे ताकि ये एक जगह जम जाए। अभी देखो बाजू का हम बीच सेंटर निकाल देंगे। बीच सेंटर निकाल के एक हमने कट लगाया है, और फ्रिल का भी हम बीच सेंटर निकालेंगे, इसके ऊपर भी एक निशान लगा देंगे और इसको ऐसे रखेंगे। एक्स्ट्रा होगा ये बाहर निकाल देंगे। देखो फ्रिल को हमने ऐसे पलट दिया है, और फ्रिल को हमने ऊपर में 1 इंची दिखाया है, और ये जो लेस है हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये हमारे जो बॉर्डर के ऊपर ही थी ये वाली लेस, तो इसको हमने कट कर लिया है, आधा इस पे लगा दिया और आधा बाजू पे। और लेस का भी हम बीच सेंटर करेंगे। ये देखो बाजू के ऊपर हमारी लेस लग गई है, ये नीचे से हमने मशीन से लगाया, और ये जो ऊपर का हिस्सा है इस पर हमने कच्ची सिलाई करके लगाया है सुई धागे से, क्योंकि ये मशीन से एकदम फिनिशिंग से लगता नहीं है। इसी तरह ये दोनों बाजू हमने तैयार कर दिए। अब हम इसको ब्लाउज पे अटैच करेंगे। बाजू की मोहरी हम 5.25 इंच रखेंगे। अभी देखो हम इसको, ये जो हमारी सिलाई है यहाँ से इधर रखेंगे, और इसको एक बराबर नाप के ले जाएंगे। तो ये वाली सिलाई हमारी इधर आ रही है, तो हम 1 पॉइंट ज़्यादा रख के निशान लगा देंगे। ये वाली सिलाई को हम यहाँ लेके आएंगे। अभी देखो बाजू को ऐसे उल्टा कर लेना है, और ब्लाउज को हम ऐसे रखेंगे उल्टा करके, और सामने वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, और ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई को हम ऐसे रखेंगे, और सामने की तरफ से 1/2 इंच छटाई कर देंगे। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, और ये बाजू की जो हमारी सिलाई है और ब्लाउज की, दोनों को एक बराबर मिलाएंगे। ऐसे देखेंगे हमारी बाजू ठीक आ रही है। अभी इसको देखो एकदम बराबर मिलान करके मार्जिन को हम पीछे की तरफ ले लेंगे, और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखो हमारी बाजू भी अटैच हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरी वाली बाजू को भी अटैच करेंगे। ये देखो मेरे ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये मेरे पीछे का गला रेडी हो गया है, और ये इस पे हमने लटकन भी लगा दी है और डोरी भी लगाई है। अंदर में हम तुरपाई कर देंगे। अभी तो हमने ऐसे ही पिन से फोल्ड किया है इसको, और सामने ये सामने का हिस्सा, और बाजू पे हमने फ्रिल लगा के कंप्लीट किया है और लेस लगाई। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो जो आप देखते हो उसके लिए थैंक यू।